नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीवी नर्जे चैनल में। ये खास वीडियो हम उन लोगों के लिए बना रहे हैं जो या तो अपनी इंग्लिश लिसनिंग और स्पीकिंग इंप्रूव करना चाहते हैं, या उनको बीए एमए इंग्लिश में लिंग्विस्टिक्स फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन की ज़रूरत है, या वो अलग अलग तरह के कम्पिटेटिव एग्जाम्स दे रहे हैं और उन एग्जाम्स में उनको ऐसे क्वेश्चन आएंगे। कर क्या रहे हैं हम साइंटिफिक मेथड से इंग्लिश वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस किया जाता है सही तरीके से और उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है फोनेटिक सिंबल्स या आईपीए के सिंबल्स के रूप में, वो कर रहे हैं जिसे बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन टेक्निकल भाषा में, पर साधारण भाषा में आप बोल सकते हैं उच्चारण को सुधार रहे हैं। सुधारने के लिए एक फाउंडेशन देना है, वो फाउंडेशन दे रहे हैं। वॉवेल्स हम कवर कर चुके हैं, प्योर वॉवेल्स भी और डिप्थंग्स भी। अब हम कवर करने वाले हैं कॉन्सोनेंट्स को, तो चलिए कॉन्सोनेंट्स कवर किया जाए। आप कागज कलम ले लीजिए और प्रोनाउंस करिए मेरे साथ और लिखते भी जाइए, फिर चेक कर लीजिए सही है या नहीं। तो पहला है जेड आई पी, प्रोनाउंस करिए राइट, जिप। तो ज और प तो हमारे पास पहले से ही है, स्लैश लगा के बंद कर देंगे, बीच में बचा वॉवल साउंड, ये रहा ई, जिप। दूसरा वर्ड है हमारे पास टी यू बी, प्रोनाउंस करिए राइट, टब। तो ट और ब कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, पहले लिख लिए, बाकी बचा अ, तो डाला अ, बन गया ये टब। तीसरा वर्ड है हमारे पास एस एल आई टी, प्रोनाउंस करें राइट, स्लिट। तो स ल और ट हमारे पास पहले से ही है, बाकी बचा ई साउंड जो ल के बाद आ रहा है, स्लिट, खत्म। एम आई डी प्रोनाउंस करें राइट, तो म और ड हमारे पास पहले से ही है, बीच बचा ई साउंड, डाला हमने ई साउंड, बन गया ये मिड। अच्छा, अब हमारे पास आया डब्ल्यू ए एल के, इसको प्रोनाउंस करें राइट, तो ये है वोक, वोक, वॉल्क या वॉल्क, इस तरह से कुछ नहीं, ल प्रोनाउंस नहीं हो रहा है। तो व और क तो आ ही जा रहा है, बाकी बचा ओ, जरा लंबा है, इसको लेके यहाँ पे डालेंगे कोलन, लॉन्ग वॉवल बन जाएगा तो वॉक आ जाएगा। अब एस ए जी प्रोनाउंस करें राइट, सैग। स और ग लेके आएंगे एस साउंड यहाँ से और इसमें डाल देंगे, बन गया सैग। अब प्रोनाउंस करें पी आर ई ए सी एच, पी आर ई ए सी एच राइट, प्रीच, प्रीच। तो प है, र है, बीच में एक साउंड है और फिर च है, च को हम कैसे लिखते थे, ऊपर से एक श साउंड उठा के ले आएंगे, ट और श मिलाया तो च साउंड बन रहा था, तो प र और च तो बन गया। अब एक लंबा वाला ई साउंड हमें चाहिए, उसके लिए हमें लॉन्ग वॉवेल बनाना है कोलन लगा करके, बन गया प्रीच, प्रीच। अब यहाँ पे हमारे पास है बी ए आर जी, प्रोनाउंस करें, तो याद रहना है कि र जो है अंग्रेजी में, अगर उसके बाद कोई वॉवल साउंड ना आ रहा है तो उसको ड्रॉप करना पड़ेगा आरपी में, तो र साउंड के बाद ज ही आ रहा है, कोई वॉवल साउंड तो आ नहीं रहा है तो ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करते ही ना जो उसके पिछले वाला वॉवल साउंड होता है र के पहले वाला, जनरली वो लंबा हो जाया करता है। तो ये देखिए बी ए आर जी ई है, आर को ड्रॉप कर देंगे साउंड को, तो देखिए ब और ज, ये साउंड तो हमारे पास है ही है। अब हमारे पास एक लंबा आ साउंड चाहिए होगा, एक लंबा आ साउंड, तो लंबे साउंड के लिए लगाएंगे कोलन, और सॉरी ये ज ऐसे नहीं, और ज साउंड के लिए हमको, आपको याद होगा डी के बाद एक स्पेशल सिंबल लाना पड़ रहा था, ये वाला श के बाद वाला, तो ये रहा बाज, बाज। अब आया जी एल यू एम, प्रोनाउंस करें राइट, ग्लम, ग्लम। तो ग ल और म तो दिख ही रहा है, बाकी बचा अ साउंड, उसको उठाएंगे यहां से, बन गया ग्लम। ये वर्ड है डी आई एन ई, इसको प्रोनाउंस करें राइट, डाइन। डाइन में ड और न तो है ही है, बाकी बचा आई साउंड, आई साउंड का अ जो है ये हम उठा के लाएंगे यहां से, ई डाल देंगे यहां से, बन गया डाइन। तो इस तरह से आपने देखा कि ये सारे वर्ड हमारे बन गए, इनको प्रैक्टिस करिए, प्रोनाउंस करिए, और आप देखेंगे कि धीरे धीरे वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट साउंड्स जब आप रिवाइज करते जा रहे हैं तो आपका सुन के बोल के इन साउंड्स को ठीक ठीक बनाने की जो है आप में जो खासियत है वो बढ़ती चली जा रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ऐसे और वीडियोस को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब भी कीजिएगा। कोई बात आपको बतानी है, कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी, कोई चीज़ अच्छी लगी,
कमेंट में डाल दीजिए, मेल कर दीजिए winners.edge.english@gmail.com पे, और साथ में बने रहिए. थैंक यू.